पाता, दिल मेरा तुझ पे ही कुर्बान हुआ। हकीकत है या कोई है वहमी दास्ता, सोबत में तेरे गुजारूं मैं शाम और सुबह, दिलकश रहे जिंदगी है बस यही एक दुआ। सुन लो ना, अभी बज रहे सुबह के 6 और हम लोग हैं अभी किमाड़ी से 8 किलोमीटर नीचे। अंधेरा था तो मैंने अब जाके ये व्लॉग स्टार्ट किया ढंग से। तो सबसे पहले मैं आपको हमारी बाइक पैकिंग दिखा देता हूँ जो हम अभी जॉर्ज एवरेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं। तो आगे तो बट्टा भाई कुछ कैरी करते नहीं है, पीछे स्लीपिंग बैग रखा है, ये कुछ वार्मर रखा हुआ है, इसमें हमने 2 किलो का एक सिलेंडर कैरी किया है। वैसे हमारे पास एक छोटा पोर्टेबल सिलेंडर भी था बट हम लोग यही लेके जा रहे हैं इस बार। ये एक एक्स्ट्रा त्रिपाल है, कैन रखा हुआ है ताकि हम पानी भर सके वहाँ पे। ये है योगा मैट और एक ये भट्टा भाई का बैग पैक जिसमें कुछ कपड़े और खाने वाने का सामान है हमारा जो हम वहाँ जाके बनाएंगे। तो आगे मेरा स्लीपिंग बैग है, ये मेरा ट्राईपॉड, ये एक मैंने प्लास्टिक का टेप रखा हुआ है, ये मेरा कप, ये 2 प्लास्टिक की शीट जो टेंट के नीचे लगाते हैं, ये मेरी हैट है, इस बैग में 2 सेब रखे रास्ते में खाने के लिए। पीछे चलते हैं तो ये मेरा बैग है, इसमें खाने का सामान है, ये मेरी मैट है, ये हमारा 2% टेंट और ये मेरा बैग है, इसमें थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। वैसे ये हमारी जो बाइक पैकिंग है ये अभी तक की जितनी भी बाइक पैकिंग की है उनमें से सबसे ज़्यादा सामान हम इस राइड में कैरी कर रहे हैं, जबकि ये सिर्फ एक दिन की राइड है, यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट जा रहे हैं। पर यही साइक्लिस्ट का प्रॉब्लम है कि आपको छोटी जगह भी जाना होता है तो सामान बहुत सारा लेके जाना पड़ता है। तो इस बार की पैकिंग बहुत ज़्यादा हैवी इसलिए क्योंकि हम लोगों ने बर्तन वगैरह कैरी किए हैं बहुत ज़्यादा और सिलेंडर वगैरह कैरी किया है। बार में भी हम लोग वेज बिरयानी या फिर पोहा वगैरह बना ले सुबह। तो हमारा प्लान ये है कि हम लोग आराम से चिल करते हुए जाएंगे, बहुत रेस्ट लेते हैं, जाना जॉर्ज एवरेस्ट ज़्यादा दूर नहीं है। सो एक किमाड़ी की रूट पे मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं 2019 में आया था, सेकंड टाइम मैं जब जॉर्ज एवरेस्ट का व्लॉग बनाया था उस टाइम आया था और तीसरी बार हम अब आ रहे हैं। और अभी हम पहुँच गए रिखोली में, ये रास्ता जाता है रिखोली नागदेवता मंदिर के लिए और हमको जाना है इधर। तो यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर लंबी धारा माइंस एंड हाथी पाव है ओवरऑल 18-19 किलोमीटर्स। ऐसा नहीं है कि हमें थकान लग रही है बट ये कि हम लोग आराम आराम से रुकते रुकते जाना चाहते हैं क्योंकि पास ही है तो ज़्यादा जल्दी आके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग भी अगर काफ़ी लंबी राइड नहीं कर रहे हो, छोटी राइड कर रहे हो, तो अगर आपका टाइम का कोई इशू नहीं है तो आप आराम आराम से जा सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। तो मौसम जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ठंडा होता जा रहा है, बादल पूरे ऊपर हैं यहाँ पे, हमेशा रहते हैं यहाँ पे पहाड़ों पे बादल। तो ये जॉर्ज एवरेस्ट में मेरी सेकंड कैंपिंग है, जब मैं केदार बद्रीनाथ होके आया था तो मैं उसके नेक्स्ट डे अपने दोस्तों के साथ जॉर्ज एवरेस्ट गया था। खैर उस टाइम तो मैं बाइक में गया था एंड कोई ब्लॉग भी शूट नहीं गया था, तो उसी टाइम प्लान कर दिया था कि कभी जॉर्ज एवरेस्ट पक्का साइकिल में आऊँगा ताकि हम कैंपिंग कर सके। यहाँ से भी ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे जाना है, फिर ऊपर देन वहाँ ऊपर जाके लंबी धारा माइंस के लिए रोड निकल जाती है। तो
जैसे मैंने आपको अपनी हाउ टू टूरिंग वाली वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग में थोड़ा थकान लगती है साइकिलिंग में, पर बाद में थोड़ा पाँव गर्म हो जाते हैं तो उसके बाद मज़ा आता है। सेम जैसे मेरे साथ अभी हुआ था, अभी तक मैं आ रहा था तो कि मारे तक थोड़ी थकान सी लग रही थी, बट अब थोड़े पाँव जैसे यूज्ड हो गए तो अब बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर से वेदर भी अब मस्त हो गया है। तो ऐसे ही अगर आप अपहिल में जाते हो तो स्टार्टिंग में आराम आराम से चलाओ, फिर इसके जैसे पाँव आपके यूज्ड हो जाएंगे फिर उसके आपको चलाने में बहुत मज़ा आएगा। बट बीच बीच में रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है एंड ड्रिंक इनफ वाटर। हम लोग हाथी पाव भी नहीं पहुंचे और रास्ते में इतने बादल आ रखे तो जॉर्ज एवरेस्ट में तो पक्का, वरना वहां का सनसेट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है जॉर्ज एवरेस्ट से जो सनसेट दिखता है। अगर आपने मेरा जॉर्ज एवरेस्ट वाला ब्लॉग देखा होगा तो उस टाइम यहाँ पे पानी बहुत कम था, तो अभी मानसून में इसका फ्लो बहुत तेज़ हो रखा है तो आगे के वाटरफॉल है उनमें भी काफ़ी तेज़ पानी आ रहा है। मुझे जितने भी ऐसे यू टर्न टाइप के मिलते हैं मैं कोशिश करता हूँ उन पर फ़ोन लगा के मस्त वाइड एंगल मोड में वीडियो शूट करूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है इस एंगल में शूट करना और आपको भी ठीक ही लगता होगा। थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है बट मज़ा उसी में आता है। सो वी हैव रीच मसूरी रोड और यहाँ से जॉर्ज एवरेज 6 से 7 किलोमीटर होगा। पहले लंबी धार जाएंगे, आपको भी थोड़ा बहुत लंबी धार दिखा देंगे एंड उसके बाद सीधा जॉर्ज एवरेज जाएंगे। जो ये लंबी धैर माइंस है ये उसकी लेबोरेटरी है, और जो इसकी जो लंबी धैर माइंस है जहाँ पे कहते हैं कि 20,000 से ज़्यादा लेबर जब वो माइन धस गई थी तो वहीं अंदर फंस गए थे तो उनकी वहीं पे मौत हो गई थी, तो वो माइंस वहाँ पे है। एंड इस जगह को उत्तराखंड की सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है, नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस में आती है ये जगह। सो बस अब 1 किलोमीटर पर चाहे हाथी पाँव, तब तक मैं ये काजू लेके आया था घर से। मैंने आपको पहले बताया था कि आप ड्राई फ्रूट्स लेके चल सकते हो टूरिंग में। तो हम लोग हाथी पाँव पहुँच चुके हैं और अभी 1:30 बज रहे हैं, निकले थे सुबह 4:30-5 बजे और इतनी देर में पहुँच रहे हैं। सो हम लोग नीचे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग मीडो है पर ये पूरा प्राइवेट लैंड है तो यहाँ पे कैंपिंग नॉट अलाउड, यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ जाना मना है ऊपर, तो हम लोगों की साइकिल तो चले जाएगी यहाँ से पूरा ऊपर ऊपर। ऐसे कुछ 600 से 700 मीटर है, थोड़ा खड़ा है तो पैदल पैदल लेके जाएंगे हम लोग। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जॉर्ज हाउस, और ये है जॉर्ज हाउस जो रेनोवेटर है पूरा, यहाँ पर पूरा रेनोवेटर है। यहाँ पर आई गेस पार्क बन रहा है छोटा सा एंड हम लोग जाएंगे वहाँ ऊपर टेंट लगाने। तो ये जो जॉर्ज हाउस है इसको रेनोवेट करके यहाँ पे म्यूज़ियम बना रहे हैं, तो इन फ्यूचर ही पता चलेगा कि कैसा म्यूज़ियम बन रहा है, तो यहाँ का टूरिज्म फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे यहाँ ऊपर है जॉर्ज एवरेस्ट पीक, मैं बहुत बार जा चुका हूँ पर अभी पूरी धुंध इसलिए बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सो हम लोग जॉर्ज एवरेस्ट तक पहुँच तो चुके हैं बट अभी हम कैंप की लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम लोग कैंपिंग करते हैं। वहाँ पीछे वहाँ पे बहुत सारा गोबर है गाय का। सो गाइस बारिश होने के पूरे आसार लग रहे हैं, बारिश धीरे धीरे बूंद पड़ रही है, तो ये हमने कैंपिंग स्पॉट ढूंढ लिया, इधर को फेस करके हम कैंप लगाना शुरू करते हैं। तो चलो आप देखो हमारा टेंट लगाने का प्रोसेस।
और हमने टेंट को बारिश से एक्स्ट्रा कवर करने के लिए उसके ऊपर हमने त्रिपाल भी डाल दी, काफ़ी मोटी है तो 0% चांस है अंदर पानी घुसने का। नीचे से अगर भाप बन के थोड़ा पानी आ गया वो अलग बात है, बट ऊपर से साइड से बिल्कुल पानी नहीं आने वाला। तो गाइस हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ से अपना सारा सामान उठा के नीचे लेके जा रहे हैं एक साफ़ जगह में, क्योंकि वैसे तो ये साफ़ ही है पर ये थोड़ा घास वाला एरिया है, पानी वानी तो यहाँ पर रात को जोंक और कीड़े का थोड़ा खतरा अगर हम बाहर निकलते हैं तो ऐसे ही त्रिपाल के अंदर पूरा लपेट के ले जा रहे हैं और सीधे नीचे आके खोल देंगे और टेंट पूरा खोल के हम नीचे लगा देंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि। सो यहाँ पे कर दिया हमें अपना टेंट प्लेस, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, यहाँ से नीचे पूरा बढ़िया सा व्यू आया। अगर सुबह यहाँ पे पूरा नहीं रहता है, यहाँ से पूरा रास्ता है और इधर थोड़ा सूखा हुआ है तो हम लोग रात को यहाँ पे बना सकते हैं, पत्थर में इतनी जोंक का खतरा नहीं है और इतना गीला भी नहीं है। सो गाइस हमारा प्लान है आज हम बनाएंगे सोया बिरयानी, तो ये सोया हमने कर दिया है, अब इसका पानी निकाल रहे हैं, उसके बाद चावल चुवल हम इसमें मतलब फ्राई करके पूरा ऐड करके बढ़िया सा बना देंगे, घी और हम तेल के बदले घी ऐड करेंगे ताकि और अच्छा टेस्ट आए। सो हम लोग तेल यूज़ नहीं कर रहे तो मैं ये घी डाल रहा हूँ, सोनारी घी है, मैं इसको हमेशा से ये यूज़ करता हूँ, बहुत टेस्टी है, तो मम्मी ने कहा इसी घी बनाना। अरे अरे गजब गजब, कड़ी पत्ते मिलाए और हम इसमें ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो हमारा ये सोया का तो हमारा बन चुका है, अब हमारे चावल बॉयल होंगे उसके बाद हम इसको इसमें ऐड करके सोया बिरयानी रेडी कर देंगे। बढ़िया बनी है, कैसी है? सो गाइस अभी बज रहे रात के 10 और बारिश शुरू हो चुकी है बाहर, आप सुन सकते हो। तो हमने त्रिपाल लगाई थी काफ़ी मोटी, तो उसकी मदद से आज बारिश होपफुली अंदर ना आए तो ही ठीक रहेगा। तो बट्टा भी थक चुके हैं और मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगा, तो मिलता हूँ आपको सीधा सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, रात भर बारिश हुई, त्रिपाल ने हमें पूरा बचा लिया और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम साफ नहीं है, मौसम पूरा खुला नहीं। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा प्लान है कि कल रात दूध बच गया था तो उसकी चाय बनाएंगे और नाश्ते में हम पोहा बनाएंगे। सो पोहे हमने भिगा दिए थे, प्याज टमाटर और मिर्ची मैंने काट लिए और तेल हम यूज़ करेंगे नहीं, यूज़ करेंगे हम ये घी। सो पोहा रेडी हो चुका है, गैस से हमने इसको निकाल दिया है। आज भट्टा भाई को फुल रेस्ट दिया था मैंने।
तो गाइस कैंपिंग करने जाओ तो ये जरूर देखो, ये जोंक होते हैं, ये आपके बॉडी में चिपक जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको हटाने के लिए इसको खाना नहीं चाहिए, इसमें थोड़ा इसमें से नमक पड़ो और डाल दो। अब देखो खुद ब खुद हट जाएगा और थोड़ा खून भी दिखेगा। ये देखो, ये देखो, ये निकल गया और ये और खून देखो। यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको एक बता दूँ कि यहाँ पे कैंपिंग बिना परमिशन के अलाउड नहीं है। पहले होता था यहाँ पे बिना परमिशन के कैंपिंग, अब पूरा यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस बन चुका है। तो हमने उनको 200 रुपीज़ पे किए थे, वैसे 400 रुपये का 2% का टेंट यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ आने से पहले नीचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ज़रूर परमिशन लेना। बारिश भी शुरू हो गई तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल भंडारी जी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।